हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इस टेंस में हम विल हैव, शैल हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी कार्य के समाप्त होने की कल्पना भविष्य काल में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। द टीचर विल हैव रीच्ड हिज हाउस, अध्यापक घर पहुंच चुका होगा। इस टेंस के नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य विल हैव, शैल हैव, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाए जाते हैं, जैसे कि द चिल्ड्रन विल नॉट हैव ईटन फूड येट। प्रश्नात्मक वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इनको बनाने के लिए विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विल द वाटर ऑफ द रिवर हैव सबसाइडेड, विल आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क बाई इवनिंग। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और तो यहीं पर हमारा ये टेंस समाप्त होता है, और साथ ही ये वीडियो भी। आप सभी का धन्यवाद।